नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटीवी न्यूज़, हर कदम खबर की ओर। मैं हूँ रिद्धि आपके साथ। आज 28 नवंबर है और वक्त हो चुका है दिन भर की फटाफट खबरों का। पोंबुरना तहसील में बाघ और तेंदुए के आतंक से मजदूरों में छाया है डर का वातावरण। कपास और धान की कटाई के लिए जाने से कतरा रहे हैं मजदूर। और इस वन परिक्षेत्र में बाघ का बंदोबस्त करने के लिए वन कर्मी तथा पुलिस बल द्वारा किया जा रहा है कड़ा बंदोबस्त। राजूरा तहसील के लाइनगुड़ा गांव के खेत में गांजे की खेती करने की मिली पुलिस को खबर। इसी खबर के सहारे पुलिस ने मारा छापा। छापे के दौरान गांजे के 37 पेड़ मिले और छापे के दौरान 2 लाख का गांजा भी जब्त कर लिया गया। और इस मामले में खेत मालक भीमराव मड़ावी को कर लिया गया गिरफ्तार। कोरपना तहसील के भारत डालमिया कंपनी के सामने 23 नवंबर से कामगारों द्वारा आमरण अनशन किया जा रहा है। अब यह आलम है कि अनशन पर बैठे 5 कामगारों की तबीयत बिगड़ने का है समाचार। और खास बात तो ये है कि अभी तक इस अनशन की सूत ना ही शासन द्वारा ली गई है और ना ही प्रशासन द्वारा। वर्धा शहर में तेज हथियार से एक व्यक्ति की निर्मम हत्या करने का मामला आया सामने। मृतक के शरीर पर 30 से 34 वार कर उसकी हत्या कर दी गई। पुरानी दुश्मनी के चलते हुई यह हत्या। मृतक के खिलाफ पुलिस थाने में कई गुनाह थे दर्ज। हत्या के बाद 3 आरोपियों को कर लिया गया गिरफ्तार। नागपुर के नंदनवर परिसर में 38 वर्षीय महिला की अज्ञात आरोपियों द्वारा कुर्सी को बांध कर गला चीर कर की गई हत्या। मृतक देविका बाई पेशे से थी डॉक्टर और अपने बेटी और दामाद के साथ रहती थी। दोनों भी डॉक्टर होने के कारण अस्पताल चले गए थे और महिला थी अकेली। इस हत्या से नंदनवन परिसर दहल उठा है। कुरला में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग के लिफ्ट में युवती का शव सड़े गले अवस्था में मिलने से मची खलबली। पोस्टमार्टम के बाद पता चला है कि पहले युवती पर किया गया था अत्याचार। यह बिल्डिंग पिछले 10 सालों से इसी अवस्था में है, जिसके कारण इस बिल्डिंग में कई गैर कानूनी हरकतें होने की है खबर। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन ने यूरोप में कहर बरपा रखा है। इसी के चलते केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को निर्देश दिए गए हैं और अब महाराष्ट्र राज्य सरकार ने भी इस ओमिक्रॉन से निपटने के लिए कोरोना नियमों में कड़े बदलाव लाए हैं और इसकी सूची भी जारी कर दी गई। वनी शहर में एक मालवाहक के वाहन चालक को बेवजह फसाद खड़ा कर पीटने का मामला आया सामने। वनी के शास्त्री नगर में रहने वाले रशीद खान का मालवाहक वाहन है और पांढर कौड़ा माल पहुंचा कर वनी पहुंचे रशीद खान से आरोपी और उसके 2 साथी उलझ गए और रशीद खान के साथ मारपीट की। इस मामले की शिकायत करते ही आरोपी और साथियों पर गुनाह दर्ज किया गया। ठाकरे बिल्डर्स चंद्रपुर के नामांकित बिल्डर्स आपको 2 और 3 बेडरूम फ्लैट तथा डुप्लेक्स रो हाउस प्रदान करते हैं। ठाकरे वाड़ी में ये ए विंग है, ये बी विंग है, ये सी डी और ई विंग है, ये क्लब हाउस है और ये 3 BHK डुप्लेक्स हाउसेस है। भव्य प्रवेश द्वार 24 घंटे सुरक्षा कर्मियों से तैनात रहता है। ये क्लब के आगे आलिशान लॉन में आपको शाम के समय व्यतीत करने में काफी मजा आएगा। क्लब के चारों ओर जॉगिंग ट्रैक है। ठाकरे बाड़ी में जो एक क्लब हाउस है उसमें आउटडोर की गेम्स के अलावा इंडोर गेम। ठाकरे बाड़ी में पार्किंग की काफी जगह मुहैया कराई गई है। यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए चिल्ड्रंस प्ले एरिया भी खास डिजाइन किया हुआ है। आइए और ठाकरे परिवार में शामिल हो जाइए। कृपया बुकिंग के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। राजूरा पुलिस द्वारा एक मामले में शामिल आरोपियों से 3 तलवार, 2 मोबाइल और 1 दुपहिया वाहन ऐसा कुल 1,08,000 की सामग्री जब्त कर ली गई। यह कार्रवाई उपविभागीय पुलिस अधिकारी राजा पवार के मार्गदर्शन में की गई। नागपुर के रविनगर चौक स्थित एक वाइन बार में बार मालिक से 2 युवकों ने मुफ्त शराब की मांग की।
बार मालिक ने उन्हें मुफ्त में शराब देने से कर दिया मना। गुस्साए इन युवकों ने बार में की तोड़फोड़ और आग लगाने की भी की कोशिश। बार मालिक की शिकायत पर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को कर लिया है गिरफ्तार। तो ये थी आपकी पसंदीदा खबरें फटाफट, और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए सीटीवी न्यूज, हर कदम खबर की ओर। नमस्कार।